गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो वहाँ से पढ़ना शुरू करें हम। 109 पेज नंबर है आपका। दीज अलाउ द बोन्स टू मूव फ्रीली। ये जो जॉइंट्स हैं ये बोन्स को इजीली मूव करने देते हैं, इनकी वजह से हमारी बोन जो है हड्डियाँ आसानी से मूव कर पाती हैं, हिल सकती हैं मतलब। दे कंटेन ए फ्लूड फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन्स कॉल्ड द सिनोवियल फ्लूड। इनमें क्या होता है, एक फ्लूड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन्स, जिनकी वजह से हमारी बोन जो है वो स्मूथली मतलब आराम से इजीली मूव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनोवियल फ्लूड। इस फ्लूड को क्या बोलते हैं, हम सिनोवियल फ्लूड बोलते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सिनोवियल जॉइंट्स, इसीलिए इनको सिनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप के होते हैं मूवेबल जॉइंट्स, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है पाइवोट जॉइंट्स। इन दिस जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग। इस टाइप के जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार हड्डी जो होती है, रोटेट माने मूव करती है इन ए रिंग, एक रिंग की फॉर्म में। देखो जैसे कि ये शो कर रखा है, ये देखो ये जो एक रिंग की फॉर्म में रोटेट करेगी, ये जो बेलनाकार ये जो बोन दिखा रखी है ये वाली, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो ट्विस्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। देखो एक साइड से दूसरी साइड इसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है। और कहता है द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स आवर हेड इज ए पाइवेट जॉइंट। वो जॉइंट जहाँ पे हमारी नेक, नेक मीन्स गर्दन, जॉइन करती है हमारे हेड को, हमारे सिर को, वो भी क्या है, एक पाइवेट जॉइंट है, ठीक है। ड्यू टू दिस जॉइंट वी कैन टर्न आवर हेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस जॉइंट की वजह से ही हम अपने हेड को, अपने सिर को लेफ्ट से राइट, दाएं बाएं घुमा सकते हो, ठीक है। आवर ऑल्सो बैंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और इसी वजह से हम अपने सिर को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, देखो इन दी जॉइंट्स, इस टाइप के जॉइंट्स में, जोड़ में, द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द कप लाइक कैविटी ऑफ अदर बोन। इसमें क्या होता है, राउंडेड माने गोल गोल, जो हेड सीरा है एक हड्डी का वो फिट हो जाता है इन टू द कप लाइक कैविटी ऑफ अदर बोन, दूसरी हड्डी की कप लाइक कैविटी होती है, एक स्ट्रक्चर बनी होती है उसमें, ठीक है। इट अलाउज रोटेशन इन ए कम्प्लीट सर्कल, ये पूरे सर्कल में पूरा गोल गोल घूमने देती है हड्डी को, ठीक है। और क्या कहता है, कैन यू मेक ए बिग सर्कल इन द एयर बाई मूवमेंट ऑफ यूर आर्म। क्या अपने आर्म से, आप अपनी भुजा से एक बड़ा सर्कल बना सकते हो हवा में, मतलब हाथ से, तो यस हम बना सकते हैं ना पूरा सर्कल ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमा के। आवर शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स। हमारा जो शोल्डर माने कंधे, और जो हमारे हिप, हिप मीन्स होता है कमर, पीछे का जो भाग है, ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स, ये इस टाइप के जॉइंट्स जोड़ों के एग्जाम्पल हैं, ओके। आगे देखो, फिर है आपका बच्चों एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी में क्या शो कर रखा है आपको, कहता है मेक ए होल इन स्मॉल प्लास्टिक बोल एंड पुश ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ड्रिंकिंग स्ट्रो थ्रू इट। देखो एक स्मॉल होल कर लो, एक छोटा सा छेद करो इन इस स्मॉल प्लास्टिक बोल, एक प्लास्टिक की बोल ले लो, बोल में एक छोटा सा छेद कर लो, एंड पुश ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ड्रिंकिंग स्ट्रो इन टू इट थ्रू इट। इसमें से एक स्ट्रो, एक स्ट्रो माने एक छोटी सी स्ट्रो होती है ना, जो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो स्ट्रो जो है इसमें स्मॉल पोर्शन जो आपने होल किया उससे डाल दो। देखो ये शो कर रखिए, जैसे आपने क्या किया, इस बोल में छोटा सा होल कर दिया और होल के अंदर आपने स्ट्रो डाल दी, ठीक है। फिर कहता है प्लेस दिस बोल इन ए स्मॉल बाउल ए लिटल लार्जर इन साइज देन दी बोल। अब इस बोल को, ये जो बोल है इसको एक बाउल में रख दिया, कटोरी में रख दिया आपने, जो इसे थोड़ी सी बड़ी है साइज में, ठीक है। रोटेट द बोल एंड स्ट्रो इन द बाउल। अब इस स्ट्रो को पकड़ के बाउल को रोटेट कराने की कोशिश करो, रोटेट हो जाएगी ना। तो कहता है इज दिस एक्शन सिमिलर टू द मोशन ऑफ आवर आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। क्या ये जो एक्शन, ये जो हो रहा है रोटेशन जो हो रहा है, घूम रही है बोल, क्या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा, हमारी जो आर्म, हमारी भुजा जो है एट द शोल्डर जॉइंट, जैसे कि हमारी भुजा जो है वो मूव करा सकते हैं। जैसे हम अपने यहाँ से देखो अपना जो कंधा है, जो हमारा शोल्डर होता है, वहाँ से अपने हाथ को रोटेट कराने की कोशिश करो, तो आप उसको रोटेट करा सकते हो, घुमा सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो कहता है आर द अदर जॉइंट्स इन आवर बॉडी शोइंग द सेम मोशन। क्या सारे के सारे जॉइंट्स, जो दूसरे जॉइंट्स हैं, वो भी ऐसे ही मोशन शो करते हैं? नहीं, सारे एक जैसा मोशन शो नहीं करते, ठीक है। तो अगला है हिंग जॉइंट्स। हिंग जॉइंट कौन सा है, देखो दीज जॉइंट्स अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। ये वो वाले जॉइंट्स हैं जो हड्डियों को मूव करने देंगे सिर्फ बैक एंड फोर्थ का, मतलब था आगे पीछे, जो आगे और पीछे, जैसे कि इसने एग्जांपल बताया है, बताएंगे अभी एक मिनट को। दे वर्क जस्ट लाइक द हिंग्स ऑन द डोर एंड विंडोज। जैसे कि हिंग, हिंग का मतलब क्या होता है, जैसे वो चिटकने लगे होते हैं ना हमारे गेट्स पे, जैसे डोर होते हैं, दरवाजे, विंडोज, खिड़कियों के पे लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप दरवाजे को बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं हिंग जॉइंट्स। आवर नी, हमारे घुटनों के जो जॉइंट होते हैं वो वाले, एंड एल्बो, जो कोहनी के जॉइंट होते हैं ना, आर एग्जाम्पल ऑफ हिंग जॉइंट्स। वो क्या है, हमारे हिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे ये शो कर रखे हैं इन्होंने। देखो ये वाला जॉइंट यहाँ पे, ऐसे ये वाला जॉइंट, ये वाले जो है कौन से जॉइंट हैं, हिंग जॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक्टिविटी अगली है आपकी, एक्टिविटी टू करा रही हूँ अब मैं आपको। कट आउट
टू स्मॉल स्क्वेयर फ्रॉम ए सीट ऑफ थर्मोकोल. एक थर्मोकोल की सीट ले लीजिए, उसमें से दो स्मॉल स्क्वेयर काट लीजिए. स्क्वेयर देखो ऐसे काट रखे जैसे इसने. फिर कहता है प्लेस देम साइड बाई साइड ऑन ए टेबल टचिंग ईच अदर. उनको टेबल पर रख दीजिए साइड बाई साइड एक दूसरे के पास ऐसे टच करते हुए. ठीक है, फिर क्या करना है आपने, स्टिक ए सेलो टेप ऑन देम. उनके ऊपर सेलो टेप मतलब वो जो चिपक होती है ना जिसको हम बोलते हैं, जिससे चिपकाते हो किसी चीज़ को, तो स्टिक मतलब गोंद नहीं, जो जो चिपक बोलते हैं जिसको हम सेलो टेप होती है जो टेप, उसको स्टिक कीजिए ऑन देम उन पे joining the two as shown in figure. जैसा कि इन दो को दिखा रखा, देखो ऐसे join कर दीजिए दोनों को, इन दोनों pieces को. ये जो आपने thermocol की square shape जो sheet ली है इनको आप क्या करोगे, join कर दोगे cello tape से. ठीक है, move one of them back and forth. एक को आगे पीछे rotate करने की कोशिश कीजिए, देखो. ठीक है, तो now fold the pieces like a book. अब आप उनको क्या करो, एक book की तरह उनको मोड़ दो, जैसे फोल्ड कर दो. देखो ऐसे जैसे फोल्ड कर रखा इसने बुक की तरह, है ना, ऐसे बुक खुलती है ना हमारी ऐसे ही. तो क्या करता है, इसको आगे पीछे रोटेट कराने की कोशिश करो. कैन यू साइमुलेट दिस मोशन विद योर आर्म एट एल्बो. क्या आप ऐसा ही काम, ऐसा अनुकरण मतलब ऐसा ही काम कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा दिस मोशन, इस मोशन को, इस गति को शो कर सकते हो विद योर आर्म एट द एल्बो, अपनी कोहनी पे. अब अपनी कोहनी और भुजाओं के साथ ऐसा कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हैं ना अपनी कोहनी को ऐसे. देखो ये शो कर रखा है इसमें, देखो ये जो है ये हमारी आर्म है, ये हमारी एल्बो है कोहनी, तो हम अपने हाथ को ऊपर नीचे ऐसे ले जा सकते हैं ना. तो ये जो है ये किसका एग्जांपल है, हिंग जॉइंट का एग्जांपल है. ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में.